20 दिन नहीं हुए इस गाड़ी को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज हम करने वाले हैं, कोई चैलेंज नहीं करने वाले हैं। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घर के लिए सामान लेने, कुछ अपने लिए शॉपिंग करने और एक दो और प्लान्स हैं। तो अभी बाहर जाएंगे तब भी पता लगेगा कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और कल का मेरा 100 रुपीज़ वाला चैलेंज तो आपको बहुत पसंद आया, और अभी मैंने कमेंट क्रिएट किए कि अब सब चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जो करूँ वो 50 रुपीज़ चैलेंज करूँ। तो मैं ज़रूर करूँगी। 50 रुपीज़ का मैंने आपको बताया था और 200 रुपीज़ का मैंने आपको बताया था। तो ज़्यादातर कमेंट किए हैं लोगों ने 50 रुपीज़ चैलेंज, तो मैं 50 रुपीज में भी दिखा दूंगी सरवाइव करके। तो मैंने ये चैलेंज किया है, अगली बार कुछ मैं अलग रखूंगा 50 रुपीज। आप कुछ नहीं, वरना आप तो वो नॉर्मल जूस ये सब उसमें निकाल सकते हो। 50 रुपीज में क्या ही आएगा, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। बट मैं 50 रुपीज चैलेंज करने वाली हूँ आगे, जो आप ही लोगों ने डिसाइड किया है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। बाय बाय क्यों, चलो चलो। कुछ भी काम करने से पहले मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो पहले मुझे पीना है जूस, उसके बाद फिर मैं आगे जाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बेबी जूस पिलाऊंगा। नहीं, मुझे बेबी जूस नहीं पीना। बट आज मुझे बहुत टाइम के बाद फिर से शॉपिंग करने का मन हुआ है, सिर्फ अपने लिए। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए और मैं उनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरी तो मैं सो रही थी ना, तो मुझे इतने अजीब अजीब ड्रीम्स आए हैं। मैं सच्ची में इतना मेरे को स्ट्रेस हो गया उन ड्रीम से, कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कांच टूट गया है, मेरे पैर के अंदर लग गया है, मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो तो कंटिन्यू चल रहा था। आज आपको क्या है? हाँ। मेरे को तो और भी ज्यादा खतरनाक आए। क्या पता है मेरे को क्या लगा कि मैं ना पाकिस्तान चला गया और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, और वहाँ पे अलग ही सीन हो गया कि यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा ही सपना। चलो, इनका सपना तो बहुत ही अलग था और मेरा जो सपना था, एक सेकंड यार, मैं ना बहुत इरिटेट हो गई हूँ इस चीज से। देखो, आपकी गाड़ी आपको ही बता रही है ना, पर फिर भी यार मैं तब भी कैमरा ऑन करती हूँ तब भी बोलने लगती है ये। तो ये आपको बताती है ना, सेफ्टी फर्स्ट। तो आज का मेरा ड्रीम बहुत अजीब था, और ड्रीम में मुझे बार बार यही दिख रहा था कि सब चीजें खराब हो रही हैं, कभी कांच टूट रहा है और बहुत ज्यादा मेरे पैर में लग गया है और मुझे बहुत ब्लड निकल रहा है। सेकंड ड्रीम में ऐसा था कि कोई हमारे घर पे आया है, उसके पास बहुत सारे ना, ये थोड़ा अजीब और अटपटा लगेगा, उसके पास ना बहुत सारे कॉइन्स हैं और कॉइन्स का बैग है। तो उसने उस बैग को ना बहुत तेज, जो टेबल है ना मिरर वाली, उसके ऊपर फेंका, उसकी वजह से पूरा टेबल का जो कांच था वो टूट गया। तो मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ कि भैया ये क्या किया आपने, और जो कांच टूटा वो फिर से मेरे पैर पे लग गया। मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि आज बार बार मेरे पैर पे चोट लग रही थी। तो मेरा तब से ना अजीब सा हो गया दिमाग, और अभी मैंने मेडिसिन ली थी, सुबह से मन ही नहीं लग रहा था। और अभी देखो, इन्होंने जूस की शॉप निकाल दी है, क्योंकि मैंने इनको बोला था मुझे शेक पीना है। कोई नहीं, अब चलो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, साहिल ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, आगे से पी लूंगी ना, कोई बात नहीं। मैंने यूटर्न लिया ही, इनको हर चीज मेरी ये भूल जाएंगे, लेकिन ये व्लॉग में डेयर्स देना मुझे नहीं भूलेंगे। और अभी अगर मैं इनको ये कहती ना कि चलो आज ये चैलेंज होने वाला है, तो अब तक इनके 10 डेयर मेरे पास आ जाती, क्योंकि वो ये नहीं भूलते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला मुझे भूख लग रही है, शेक पीना, तो ये भूल गए हैं। ये है गाइस मेरी रियल लाइफ, देख लो अब आप ये, और उल्टा मास्क लगा कर बैठा है ये लड़का, इसको इतनी देर से मैं बोल रही हूँ। इस साइड से ना मेरे को प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे दबा देता है, कितने अजीब लग रहे हैं। उल्टा मास्क कौन पहनता है? मेरे को ना जब बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो ये मेरी सबसे फर्स्ट एक स्ट्रेस को भगाने के लिए थेरेपी है। मैं थोड़ी सी भी शॉपिंग करती हूँ मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा फिर पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो अब तो पिला दोगे आगे जूस? जी। उल्टा मास्क के सीधा कर लो। हाफ एन आवर हो गया इस ट्रैफिक में हमें खड़े खड़े, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ट्रैफिक है क्यों, सबको जल्दी जाना है और संडे है, मेरे को भी ध्यान आया। तो फिर आज शॉपिंग का डिसीजन रॉन्ग हो? नहीं, रॉन्ग तो नहीं, पर हाँ संडे को होता है थोड़ा बहुत, आपको पता है ना। भूख लगती है बहुत तेज मुझे, और कुछ तभी खाने को नहीं मिलता, ये भी एक चैलेंज ही है। कुछ खाऊं कुछ करूं शॉपिंग, इन्हें नहीं पता क्या सिर्फ शॉपिंग करने निकली है। 7:30 8 o'clock कोई 8 o'clock नहीं होता अब, अब तो ठीक हो गया है यहाँ का टाइमिंग, 9 o'clock 10 o'clock तक हो गया। ओपन हो जाओ, मैं भी करूंगा ना शॉपिंग। आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आप कर सकते हो जो आपको करना है।
मेरा डिसीजन है कि मुझे तो शॉपिंग करनी है, ना कि मुझे शॉपिंग करानी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं मैं दे, अरे नहीं कोई गिफ्ट, थैंक यू ना, गिफ्ट सच में। चलो चलो यार, आपको बोला था ना मेरे को जूस पीना है, यहाँ लेकर आ गए हो मॉल में। मॉल में ऊपर लेके चलो ना, तब तक बंदा भूख करे। खाली पेट चक्कर आ रहे हैं गाइस, बिल्कुल हिम्मत ने जवाब दे दिया। मुझे समझ में आओ, कुछ ज़रा बुला। जब बोलती हूँ ना, ये लो जी मॉल भी बंद हो गए, ऐसे टाइमिंग पे शॉपिंग कराने लाए हो, क्या अनाउंसमेंट हो रही है ये? काजल कहाँ गई? आ रही है काजल। चलो एक टॉप मेरी साइड से, इस वाले में डांस करके दिखाना। ये क्या डांस था? ये कौन सा डांस था? दिखा। ये क्यों चाहिए आपको? यार घर में कुछ करने के लिए चाहिए होता तो इन तीनों में से कोई एक ले लेते हैं। बताओ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लूंगी। ठीक है भाभी, इन दोनों में से लेते हैं। सैनिटाइज किया आपने? इनको बिल्कुल पसंद नहीं है करना। नहीं यार, करना जरूरी है ना। आप इधर क्यों आ गए? क्यों? हमें बॉयज की साइड से आना था ना। नहीं नहीं साहिल, बाद में जाएंगे। देखो अभी मुझे स्ट्रेस है, मुझे उसके लिए थेरेपी चाहिए, तो मुझे अभी शॉपिंग करनी है। मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीद लिया है। यार इस बार ज़ारा की कलेक्शन कुछ अजीब सी लग रही है। विंटर्स के कपड़े अभी से ही आ गए। हाँ नेक्स्ट मंथ से हो सकते हैं ना, प्री विंटर स्टार्ट हो जाएगी। सेप्टेम्बर से अक्टूबर से, नवंबर से होती है ठंड, तो फिर भी ढूंढ लूँगी कुछ ना कुछ, तो ऐसे खाली नहीं जाऊँगी। खाने वालों टेस्टी टेस्टी, आज संडे अच्छी डे है। चीट डे है, तो ये क्या लेकर आए हो आप? ये सूजी का हलवा है। तो ये तो हम घर में भी बना सकते थे। चीट डे है ना, हम बाहर हैं। तो गाइस अभी हम खाना खाने लगे हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। मैं खा रही हूँ राजमा राइस, काजल खा रही है पाव भाजी, और साहिल का आप देख ही सकते हैं ये है केसर लस्सी, जो मुझे बहुत पसंद है। शॉपिंग मैंने कर ली है, घर जाकर दिखा दूँगी, तो अभी खाना खा लेते हैं। कैसी है गाजर पाव भाजी? गाइज अब घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और शॉपिंग हमने कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई है, मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलो ये लस्सी पकड़ो। भाई ये किसने की है? ड्राइव तो आप कर रहे थे ना, ओ की क्या बात है, ये किसने की है? मेरे को क्या पता, खड़ी खड़ी में थोड़ी कोई टक्कर मारेगा। खड़ी खड़ी में लगी है शायद, चोट लगता है। 20 दिन नहीं हुए इस गाड़ी को, वही पेंट ही उतर गया, 3 जगह से उतरा है। पर खड़ी खड़ी में कौन कर देगा, सोचने वाली बात है। अब मुझे क्या पता, काजू भी तो साथ थी, काजू बताओ आपको पता है? मैंने नहीं देखा, कोई नहीं हो जाएगा ये तो। यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं इसीलिए ड्राइव नहीं करती पता है, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि कहीं, अभी न्यू गाड़ी है तो कहीं लग लुग ना जाए। 20 दिन नहीं हुए इस गाड़ी को। मैं नहीं यार, मेरा सारा मूड खराब हो गया। बोलो इसे अब क्या कर सकते हैं, ठीक तो हो ही जाए। खोल दो यार कैमरा, कैमरा तो बंद कर दो, मुझे नहीं करना शूट। अब तो मजा आ रह गया यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मेरी नई गाड़ी किसी ने ठोक दिया, खड़ी गाड़ी ठोक दी है, बताओ। इतने अच्छे से चलाते हैं हम, थोड़ी पुरानी हो जाती है तो बात अलग होती है। अभी तो 20 दिन भी नहीं हुए इसको, अपनी मेहनत की कमाई से लिया ना, इसलिए शायद मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है। इतना अच्छा मूड था, इतनी अच्छी शॉपिंग करी थी, सब खराब हो गया। नहीं हो जाएगा ठीक, टेंशन मत, कुछ ठीक नहीं होएगा, मुझे बहुत दुख हुआ, क्या करूँ अब। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने पार्किंग में ठोक दिया। ऐसे ठोक देते हैं?
कुछ पता नहीं, पर यहाँ पे तो ठोकने का कुछ है नहीं है, ठीक हो जाए। साहिल ने ठोकी है, साहिल बता दो सच सच अभी भी कुछ मैंने नहीं ठोकी भाई, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? साहिल ने ठोक के चुपचाप खड़ी करके रख दी यहाँ पे और हमें बताया नहीं, यही है बात। तो मैंने नहीं ठोकी, अब क्या ही करें शिल्पा, ठीक हो जाएगी क्या काजल? हाँ ठीक तो हो जाएगी। कैसे ठीक होगी? वहीं जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, शोरूम में वो पेंट कर देंगे इस पे। सेम हो जाएगा बिल्कुल सेम। कल ही जाती हूँ यार, मेरा तो अजीब हो गया मूड एकदम। क्या ही फायदा हुआ काजल, इससे अच्छा तो सेकंड हैंड कार ही ले लेती। कैमरा बंद कर दो, घर चलते हैं, मन नहीं लग रहा। मूड ऑफ करने से कोई फायदा तो नहीं है, मैं घर वापस आ गई क्योंकि गाड़ी है ऐसे तो भाई लगेगी इधर उधर कहीं ना कहीं, तो बट ये नहीं थी तो मुझे थोड़ा दुख हो गया और तब उस टाइम पे थोड़ा ऐसे रिएक्शन निकल गया, बट मैंने बहुत सोचा दिमाग से कि चीज़ें आती जाती रहती हैं ठीक कराने की। फर्स्ट थी साहिल ने मुझे बोला कि मैंने मुझे था कि कहीं साहिल को पता होगा कि ये लग गई है, किसी ने टक्कर मार दिया, बट उन्होंने फिर बताया कि उन्हें खुद ही नहीं पता था, तो कोई बात नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं है, उसको सही करा लेंगे और मैं टेंशन नहीं ले रही अब ज़्यादा। तो मैं आपको ना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ अपना और आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये सारा तो क्या साहिल का सामान है, ये दिखाने का फायदा नहीं है, आज साहिल ने भी शॉपिंग करी है ना, मैं आज ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई गाइस। साहिल ने ही शॉपिंग किया, ये मैंने एक बैग लिया है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मिनीसो में ना बड़े अच्छे ये वो मिलते हैं, तो ये आप यूज़ करना बहुत अच्छे हैं, ये इनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है, तो इन बहुत सारे ले, ये सारे मेरे हैं और एक साहिल का है। पहली बार मैं कुछ घर का सामान लाई हूँ, सुई धागा मुझे नहीं पता मैं क्यों लाई हूँ, बस ये मुझे क्यूट लग रहा था, तो ये साहिल आपका बस, और ये चारों मेरे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर किसी को पता हो कि मेरी गाड़ी में किसी ने टक्कर मारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम कर तक जाएंगे पकड़ने, ठीक है? और मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।